हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जे आर एफ एस आर एफ आई बी पी एस एफ ओ एंड नेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम है अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे द्वारा आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इसके अलावा हमारे सारे यूट्यूब वीडियोस के आपको पी प्रोवाइड कराए जाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट ट्रेड नेम ऑफ क्लोरोथालोनील इज क्लोरोथालोनील का ट्रेड नेम या जिस नाम से मार्केट में उसे बेचा जाता है वो है आंसर है ए डाको नील क्वेश्चन सेकेंड कुरजेट सिस्टेमिक फंजिसाइट इज स्पेसिफिक टू कुरजेट जो कि एक प्रकार का सिस्टेमिक फंजिसाइट है इसका उपयोग किस चीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है आंसर हो जाएगा ए डाउनी मिल्ड्यू क्वेश्चन थर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम फॉर स्टेम एंड फ्रूट कैंकर ऑफ टोमेटो इज टोमेटो में होने वाले फ्रूट एंड स्टेम कैंकर के लिए प्राइमरी सोर्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी सीड बोर्ड ओनली क्वेश्चन फोर द जीनोम ऑफ टोमेटो लिफ कर्ल वायरसेस इज टोमेटो लिफ कर्ल वायरस का जीनोम हो जाएगा आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जबकि हमने देखा है कि ज़्यादातर प्लांट वायरसेस में आरएनए पाया जाता है परंतु इसमें स्पेसिफिक इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है क्वेश्चन फाइव टिपिकल सिम्टम्स ऑन बर्ड्स आई स्पॉट इज कॉज्ड बाय बर्ड्स आई स्पॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है आंसर हो जाएगा डी क्लेवी क्लैविपैक्टेरियर मिशीगेनेस स्पीसी मिशीगेनेस क्वेश्चन सिक्स द पोजिशन ऑफ एंथ्रेडियम इन कनेक्शन विथ ऊ इन अल्बुगो इज कॉल एज पेरागाइनस वेन द एंथ्रेडियम इज अल्बुगो में बनने वाले गैमेट्स ऊगोनिया यानी फीमेल गेमिट एंड एंथेडियम यानि मेल गेमिट जब पेरागाइनस एंथेडियम बनाते हैं तो इसे कहा जाता है आंसर ए है ग्रोस बिसाइड्स द उगोनियम क्वेश्चन सेवन वर्टिफोलिया इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ वर्टिफोलिया प्लांट में कब इफेक्ट करता है आंसर ए है जब प्लांट का होरिजोनटल रजिस्टेंस खत्म हो जाता है क्वेश्चन हो जाएगा एट द फर्टाइल पोर्शन इन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकोपर्डान इज कॉल्ड लाइकोपर्डान जो एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है इसके फर्टाइल पोर्शन को कहते हैं आंसर है ए ग्लेबा क्वेश्चन नाइन टोमेटो मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय टोमेटो मोजेक वायरस ट्रांसमिट होता है आंसर है सीड्स एंड प्लांट शेप दोनों से क्वेश्चन टेन लिटिल लिफ ऑफ ब्रिंजाल इज कॉस्ड बाय ब्रिंजल का लिटिल लिफ डिसीज होता है आंसर है ए फाइटो से क्वेश्चन इलेवन अ फंगस कॉसिंग वाट ऑफ पोटेटो इज वाट ऑफ पोटेटो फंगस कॉस करने कॉस करता है आंसर है डी यह एक प्रकार का ऑब्लिगेट फंगस है क्वेश्चन ट्वेल्व अ लॉन्ग फ्लेक्सियस फिलामेंटस सिंगल स्टैंड आर एन ए वायरस इज लॉन्ग फ्लेक्सियस फिलामेंटस सिंगल स्टैंड आर एन ए वायरस कौन सा होता है आंसर हो जाएगा सी है पीट येलो वायरस क्वेश्चन थर्टीन कोलेटो ट्राइकम कैप्सी में किस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी बनती है आंसर है ए एसरवुलस टाइप की क्वेश्चन फोर्टीन अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा विरिडी इज ट्राइकोडर्मा विरिडी से किस प्रकार का एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का एक जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस करती है क्वेश्चन फिफ्टीन द फेमस आइरिस फेमाइन अकर्ड इन द ईयर आइरिस फेमाइन अकाल किस ईयर में हुआ था आंसर हो जाएगा ए 1845 में क्वेश्चन 16 रजिस्टेंस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाई फ्यूजेरियम स्पीसी प्रकार का रजिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जाता है नेम गिवन टू समी मेक्रोसाइक्लिक रस्ट किने कहते हैं आंसर हो जाएगा बी वेयर ऑल द फाइव स्पोर्स स्टेजेस आर प्रोड्यूस ऐसी फंगस जो की फाइव स्पोर स्टेजेस प्रोड्यूस करती है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट टाइप फंगस होती है क्वेश्चन एटीन बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो इज कॉस्ड बाय टोमेटो में होने वाला बैक्टीरियल कैंकर डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है आंसर है सी विच इज क्लेवे बैक्टेर स्पीसीज क्वेश्चन नाइनटीन द इंडिकेटर प्लांट यूज फॉर सिट्रस स्क्रीनिंग सिट्रस स्क्रीनिंग के लिए किस इंडिकेटर प्लांट का यूज किया जाता है आंसर हो जाएगा ए कागजी लाइम जो कि सिट्रस के टिट्रेजा वायरस के लिए भी एक प्रकार का इंडिकेटर प्लांट है क्वेश्चन ट्वेंटी द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन येलो मोजेक ऑफ भिंडी इज भिंडी में पाया जाने वाला येलो मोजेक वायरस के लिए न्यूक्लिक एसिड होता है आंसर है सी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्वेश्चन ट्वेंटी वन पाउडर मिल्टी ऑफ चिली इज कॉज्ड बाय चिली में होने वाला पाउडरली मिल्टी डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है आंसर है सी क्वेश्चन ट्वेंटी टू पी रस्ट इज कॉज्ड बाय पी में होने वाला रस्ट डिसीज का कारण है आंसर है बी यूरोमाइसिस फंगस क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द लोकल क्वारेंटाइन रेगुलेशन फॉर कार्टे डिजीज ऑफ कार्डेमम इज प्रीवेलेंट इन इसमें ये बताना है कि कार्डेम में होने वाले कार्टे डिजीज के लिए लोकल क्वारेंटाइन रेगुलेशन किस स्टेट में लगाए गए हैं आंसर है डी महाराष्ट्र में क्वेश्चन ट्वेंटी फोर ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज इज कॉज्ड बाय रोज में होने वाला ब्लैक स्पॉट डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है आंसर है सी डिप्लोकार स्पीसीज क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव अ डिसीज कॉज्ड बाय कोलेटोट्रैकम इज ओनियन इज ओनियन में कोलेटोट्राइकम से सिनेनेंस के कारण कौन सा डिसीज होता है आंसर हो जाएगा डी स्मच डिसीज़ क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स फंगी बिलोंगिंग टू द ऑर्डर आर टू कॉज यूस्टी लेगिनियंस फंगस है वह कौन सा डिसीज कॉज करती है आंसर हो जाएगा सी या बहुत सारे प्लांट्स में स्मट डिसीज कॉज करती है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन a button like स्ट्रक्चर विच penetrate the होस्ट एंड draws nutrient इज ऐसा button like स्ट्रक्चर जो कि होस्ट को पेनेट्रेट करके उसके अंदर घुस जाता है उसे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है आंसर है डी विच इज होस्टोरिया और चुस्का जो कि प्लांट पैरासाइट में पाए जाते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट अ प्लांट वायरल डिसीज ऑफ सीड बोन इन नेचर निम्न में से सीड बोन डिसीज कौन सा है आंसर है सभी प्रकार के पिन मोज़ेक वायरस सीड बोन वायरल डिसीज है क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन अ डिसीज अफेक्टिंग फूड कंडक्शन इन प्लांट इज ऐसा कौन सा डिसीज है जो प्लांट में फूड कंडक्शन को इफेक्ट करता है आंसर हो जाएगा वैस्क्यूलर वेल्ट क्वेश्चन थर्टी वॉट इज द फूड बॉडी ऑफ पैनेसिलियम कॉल पैनेसिलियम में कौन सी फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है आंसर है बी विच इज थर्टी वन हुडर एज अ फाउंडर ऑफ वायरो वायरोलॉजी के फाउंडर या जनक किसे माना जाता है हो जाएगा B, Question 34, are produced in chains? किस प्रकार के फंगस में स्पोरेंजिया चेन में प्रोड्यूस होते हैं आंसर हो जाएगा डी अल्बुगो में क्वेश्चन थर्टी थ्री ऑस्ट्रियोलेट एस्कोकार्प इज नोन अज ऑस्ट्रोलिएट एस्कोकार्प को किस और नाम से जाना जाता है आंसर हो जाएगा बी पैरिथिसियम के नाम से क्वेश्चन थर्टी फोर अ बैक्टीरियल जीनस विच एंटर थ्रू नेक्टेरिंस इज ऐसा बैक्टीरियल जीनस जो कि प्लांट में नेक्टेरिंस से प्रवेश करता है वो है आंसर है सी इरविनिया बैक्टीरियास क्वेश्चन थर्टी फाइव पाउडरी मिल्ड्यू जीनस हैविंग क्लिस्टोथीसियल करेक्टर लाइक इनडेफिनेट माइसिलोट अपेंडेजेस इज ऐसा पाउडर इमिल जो कि एंडोफाइटिक होता है और साथ ही क्लिस्टोटिशियल करेक्टर्स शो करता है वह है आंसर है डी लेव्यूलिया जीनस क्वेश्चन थर्टी सिक्स अ टफ ऑफ लेज वन और बॉथ एंड्स इज कॉल्ड फ्लेजिला के टफ जो दोनों साइड कहे जाते हैं आंसर है एम्फिड रैकस इस प्रकार का बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनमें बैक्टीरिया के दोनों सतह पर एक एक फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन थर्टी सेवन प्रोक्रियोट विथाउट द वॉल इज ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी है जिसमें वॉल नहीं पाई जाती आंसर हो जाएगा सी बी एल ओ और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट लो मोलिकुलर वेट इन्फेक्शियस आरएनए विथाउट प्रोटीन एनवेल इज ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है परंतु प्रोटीन इनवेल एबसेंट होता है कहलाते हैं आंसर हो जाएगा डी विरोइ क्वेश्चन थर्टी नाइन रोबिगेलिया वॉज सेलिब्रेटेड बाय रोमांस अगेंस रोबिगेलिया एक प्रकार का फेस्टिवल है जो कि रोमन्स द्वारा किस डिसीज के, के अगेंस्ट या विरुद्ध में सेलिब्रेट किया जाता है आंसर है सी रस्ट के क्वेश्चन फोर्टी द फंगस विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूज इन जेनेटिक स्टडीज इज ऐसी फंगस जो कि जेनेटिक स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आंसर है डी न्यूरो स्पोरा क्वेश्चन फोर्टी वन अ पार्शियल रूट पैरासाइट ऑफ ट्रीज नि से कौन सा ट्रीज के लिए पार्शियल रूट पैरासाइट है आंसर हो जाएगा सी स्ट्राइगा और कस्कुटा की बात करें तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट है क्वेश्चन फोर्टी टू क्रॉस प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाय इनोकुलेटिंग द प्लांट फर्स्ट विथ अगर आपको किसी प्लांट में क्रॉस प्रोटेक्शन डेवलप कराना है या प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा आंसर है बी माइल्ड स्ट्रेन ऑफ सेम वायरसेस आपको उसी वायरस की कमजोर स्ट्रेन को प्लांट में इनोकुलेट कराना होगा जिससे वह उस डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टी थ्री यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन प्लांट डिसीज कंट्रोल बाय प्लांट डिजीज को किस प्रकार के एंटीबायोटिक द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है आंसर है सी यह सबसे पहले बताया था एम जी धिरुमालाचार्य ने क्वेश्चन फोर्टी फोर हाईली कंटेजियस वायरस सबसे अधिक कंटेजियस वायरस है आंसर है सी पोटेटो लीफ रोल वायरस क्वेश्चन फोर्टी फाइव अ प्लांट वायरल डिसीज ऑफ सीड बोर्न इन नेचर ऐसा प्लांट डिसीज जो कि वायरस से होता है और साथ में सीड बोर्न है आंसर है पोटेटो वायरस एक्स एंड कसावा मोजेक दोनों क्वेश्चन फोर्टी सिक्स डाइकोरिटिक माइसेलियम इज डिस्टिंक फीचर ऑफ फंजाई बिलोंगिंग टू डाइकोरिटिक माइसेलियम किस प्रकार की फंजाई में पाया जाता है आंसर हो जाएगा बेसिडियो माइकोटिना जीनस में क्वेश्चन फोर्टी सेवन बायो एजेंट यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ एयरबोन डिसीज़ एयरबोन डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए किस बायो एजेंट का यूज़ किया जाता है आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों का जिसमें है ट्राइकोडर्मा विरीडी एंड सीडोमोनास फ्लोरोसेंस क्वेश्चन फोर्टी एट माइक्रोकोनिडिया आर फाउंड इन माइक्रोकोनिडिया पाए जाते हैं आंसर है बी न्यूरोस्पोरा फंगस में क्वेश्चन फोर्टी नाइन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैविंग रिलीवेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है वो है आंसर है बी एग्रो बैक्टेरियम क्वेश्चन फिफ्टी इन एग्रीकल्चर सेल इन विच रिडक्शन डिविजन टेक्स प्लेस इज नोन एज एग्रिकस में सेल डिवीजन होता है कहलाता है आंसर है बी बैसिडियम क्वेश्चन फिफ्टी वन जेंथोमोनास पेनेट्रेट द होस्ट टिश्यू थ्रू जेंथोमोनास होस्ट टिश्यू में कहाँ से प्रवेश करता है या उसे कहाँ से भेजता है आंसर हो जाएगा बी से क्वेश्चन फिफ्टी टू रिप्रोडक्शन इन बेसिडोमाइसिटस फंगस इज थ्रू बेसिडोमाइसिटस फंगस में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है आंसर है इस एंड सोमेटोगेमी दोनों के द्वारा क्वेश्चन फिफ्टी थ्री प्रैक्टिकल एंड फिशिएबल मेथड इन मैनेजिंग सॉइल बोन डिसीजे थ्रू सॉइल बोन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल एंड फिशिएबल मेथड होती है आंसर है डी यूज ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज जो हमारे पास डिस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उनको हम यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन फिफ्टी फोर सिस्टेमिक फंजिसाइड इज इसमें कौन सा सिस्टेमिक फंजिसाइड है आंसर हो जाएगा कार्बेंडा जीम क्वेश्चन फिफ्टी फाइव स्ट्रोमा इज स्ट्रोमा क्या है आंसर है ये फंगस के र, रिलेशन में बात हो रही है क्वेश्चन हो जाएगा ए कॉम्पैक्ट सोमेटिक हाइपी विथ फ्रूट बॉडीज एक प्रकार का कॉम्पैक्ट सोमेटिक हाइपी है जो कि फ्रूटिंग बॉडीज में पाया जाता है क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स आल प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर सभी प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं आंसर हो जाएगा बी एक प्रकार के फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्वेश्चन फिफ्टी सेवन अ कल्चरेबल सेल वॉल लेस फेस्टिडियस प्रोकोरियोट कॉसिंग प्लांट डिसीजेस ऐसी कल्चरेबल सेल वॉल जो कि फ्लैस्टिडियस प्रोक्रेट में प्लांट के द्वारा प्लांट डिसीज कॉस करती है आंसर है डी विच इज फाउंड इन बैक्टीरियल लाइक ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन फिफ्टी एट माइसेलियम ऑफ क्लास ऊमाइसिटिस इज ऑलवेज ओमाइसिटिस में पाए जाने वाले माइसेलियम होते हैं आंसर है ए कोइनोसाइटिक इन नेचर क्वेश्चन फिफ्टी नाइन न्यूक्लियर पोजिशन ऑफ यूरेडियल स्टेज इन रस्ट फंगस इज यूरेडियल स्टेज जो कि रस्ट फंगस में पाई जाती है इसमें न्यूक्लियर पोजीशन होती है आंसर हो जाएगा सी एन प्लस एन क्वेश्चन सिक्सटी स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड एंटीबायोटिक वास आइसोलेटेड बाय स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट नाम का एंटीबायोटिक किसने अलग किया था आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट सी फॉक्स मैन क्वेश्चन सिक्सटी वन टूर व्हील्ड इज बाय टूअर में कॉस्ट होती है आंसर है सी फ्यूजेरियम उडम फंगस से क्वेश्चन सिक्सटी टू रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कहते हैं आंसर है ए ये है वर्टिकल रेजिस्टेंस क्वेश्चन सिक्सटी थ्री एल सी कोलेमोन वॉज अ जनरल पैथोलॉजिस्ट ड्यूरिंग नाइनटीन फोर्टीन बट वर्क एंड सजेस्टेड कंट्रोल मेजर्स फॉर एल सी कोलेमोन जो कि एक प्रकार के जनरल पैथोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है इन्होंने 1914 में वर्क किया और कंट्रोल किया आंसर है ए कोलेरोगा ऑफ एरिका डिसीज का क्वेश्चन सिक्सटी फोर एक्जो बैसेटियम विच कॉसेज एक्जो बैसिटियम कॉस करता है आंसर बी ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी क्वेश्चन सिक्सटी फाइव अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो एंड टोमेटो कॉज्ड बाय पोटेटो और टोमेटो में होने वाला अलिप्लाइट डिसीज ऑर्गेनिज्म है आंसर हो जाएगा ए सोलानी क्वेश्चन पाउडरी पैथोजन एंड डस्ट कॉसिंग पैथोजन सभी नेचर में कैसे होते हैं आंसर है ए ये सब होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्वेश्चन सिक्सटी सेवन द फनेरोगेमिक पैरासाइट विथ सोरगम क्राप अच्छा ये बताना है कि सोरगन कॉप में फनेरोग्रेमिक पैरासाइट कौन सा होता है आंसर हो जाएगा ए स्ट्राइगा विच इज पार्शियल रूट पैरासाइट क्वेश्चन सिक्सटी एट टीलियो स्पोर्स आर सिंगल सेल पेपिलेट एंड स्टॉक द चीनस आइडेंटिफाइड एज एस। ऐसे टीलियो स्पोर्स जो कि सिंगल सेल होते हैं पेपिलेट होते हैं और स्टॉक्ड होते हैं किस प्रकार के जीनस में पाए जाते हैं आंसर हो जाएगा सी यूरोमाइसिस में क्वेश्चन सिक्सटी नाइन वन ऑफ द केमिकल वेपोर्न सिक्रेटेड बाय द पैथोजन इन प्रोडक्शन ऑफ डिस इन प्लांट्स अगर कोई पैथोजन प्लांट पर अटैक करता है तो वह उसमें डिसीज कॉज करने के लिए किस केमिकल को प्लांट में सिक्रेट करता है आंसर है बी इन्हें कहते हैं फाइटोटॉक्सिन्स क्वेश्चन सेवेंटी द वर्ड वायरसेस लिटरली मीन वर्ड वायरस इसका मतलब है आंसर है सी पॉइजन क्वेश्चन सेवेंटी वन आर प्रोड्यूस सिंगली एट टिप्स ऑफ कॉन्डियोफोर्स बाय ऐसे फंगस कौन से हैं जो कि कॉन्डियोफोर्स की टिप्स पर कॉनिडिया प्रोड्यूस करते हैं आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन सेवेंटी टू वन प्लांट शोड द पार्शियल रजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन दैन इट इज अ टाइप ऑफ अगर कोई प्लांट जो कि सभी पैथोजन के सभी रेसेस के लिए पार्शियल रेजिस्टेंस शो करता है तो इसे कहते हैं आंसर है ए होरिजोनटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन सेवेंटी थ्री दिलियो स्पोर ऑफ कॉफी लिपरस्ट पैथोजनिपरस्ट में पाए जाने वाले टीलियोस्पोर होते हैं आंसर है बी बीन शेप्ड। क्वेश्चन सेवेंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एलिजा टेक्निक निम्न में से कौन है जिसे एलिजा टेक्निक द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता आंसर है सी व्यूरोइड्स को इसके अलावा वायरस बैक्टीरिया फंगस सभी एलिसा टेक्निक द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं क्वेश्चन सेवेंटी फाइव वायरस आर वायरस क्या होते हैं आंसर है सी वायरस होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन जिनमें जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कवर प्रेजेंट होता है क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स बैक्टीरियो व डिस्कवर्ड बाय बैक्टीरियोफेज की खोज की है आंसर है बी फेलिक्स टी हेरेन है क्वेश्चन सेवेंटी सेवन इन लॉन्ग साइकिल रस्ट जीरो स्टेज रिफर्स टू जो लॉन्ग साइकिल रस्ट फंगस होती है इसमें जीरो स्टेज का क्या मतलब है आंसर है पिकनियम स्टेज क्वेश्चन सेवेंटी एट हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी वायरोलॉजी के फादर है एमडब्ल्यू बेंजरिंग क्वेश्चन सेवनटी नाइन वायरस इज नोन ड्यूरिंग सेवेंटीन सेंचुरी इन यूरोप आंसर है ए टूलिप कलर ब्रैक क्वेश्चन एटी वायरसेस विच रेप्लीकेटेड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज ऐसे वायरस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा रेप्लीकेट हो सकते हैं वे हैं आंसर है ए क्वेश्चन एटी वन बनाना स्ट्रिक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय बनाना में होने वाला स्टिक वायरस ट्रांसमिट होता है आंसर है ए बग द्वारा इसका वेक्टर है मिली बग क्वेश्चन एटी टू वायरसेस विच ओ आर एफ एस डेट में बी ट्रांसलेटेड इंटू प्रोटीन्स इन बॉड डायरेक्शन वायरसेस जिनमें ओ आर एफ एस पाया जाता है ये प्रोटीन्स को दोनों दिशाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं वे हैं आंसर है ए बेगोमो वायरसेस क्वेश्चन एटी तो थ्री द प्रोटीन कंटेंट इन बैक्टीरियल सेल ऑन ड्राई वेट बेसिस इज एक बैक्टीरियल सेल में ड्राई वेट बेसिस पे देखें तो कितना प्रोटीन पाया जाता है आंसर हो जाएगा बी सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन एटी फोर आर रियो वायरसेस कॉस कॉल एक्सेप्ट ऐसा कौन सा निम्न में से रियो वायरस है जो कि गॉल्स प्रोड्यूस नहीं करता है आंसर है राइस डॉर्फ वायरस क्वेश्चन एटीफाइव द मोस्ट वाइडली यूज ग्रेनुलेटेड फॉर्मुलेशन ऑफ निम्न में से कौन सा ग्रेनुलेटेड फॉर्मूलेशन में ग्रेनुअल साइज कॉमनली पाया जाता है आंसर है बी जीरो पॉइंट टू वन एम एम साइज क्वेश्चन एटी पजेसेस सरफेस मोडिफाइंग प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एडिटिव केमिकल जो कि सरफेस मोडिफाइंग प्रॉपर्टीज रखता है वो है आंसर है डी इन्हें कहते हैं सरफेक्ट क्वेश्चन एटी सेवन ऑफ चेस्ट नर्स कंपाउंड आर चेस नट कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं आंसर है कॉपर सल्फेट अमोनियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा एंड क्विक लाइम ऑल क्वेश्चन एटी एट द ग्रेट बेंगाल फेमाइन इन नाइनटीन फोर्टी थ्री वॉज टू नाइनटीन फोर्टी थ्री का बंगाल अकाल का कारण था आंसर है बी ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ राइस डिसीज क्वेश्चन एटी नाइन फाइडो एलेक्सिन इंड्यूसर्स फेरिक क्लोराइड निकल नाइट्रेट एट्सिट्रा ऑफ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ये केमिकल्स किसके लिए आ, किस डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं आंसर है ए ब्लास्ट डिसीज से क्वेश्चन नाइनटी फॉल्स स्मट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय राइस में पाया जाने वाला फ़ॉल्स स्मट का कॉजल ऑर्गेनिजम है आंसर है डी यूस्टीलिगोनडिया वायरस क्वेश्चन नाइन्टी वन द कॉजल एजेंट ऑफ फूड रॉट और बैके डिसीज ऑफ राइस प्रोड्यूस आंसर है ए विच इज चिब्रेलिक एसिड क्वेश्चन रेड डॉट ऑफ सुगर कैन इज कॉज्ड बाय सुगर केन का रेड डॉट डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है आंसर है कोलेटोट्रैकम फॉल्केटम क्वेश्चन नाइंटी थ्री द कॉजल एजेंट ऑफ ग्रेसी शूट डिसीज इन सुगर कैन इज कॉज्ड बाय सुगर केन में होने वाला ग्रेसी शूट डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है आंसर है सी फाइटो प्लाज्माज क्वेश्चन नाइंटी फोर स्टंटिंग डिसीज ऑफ सुगर इज कॉज बाय सुगर केन का स्टंटिंग डिजीज कॉज करता है आंसर है ए क्लेवी बैक्टीरियल चाइली सब चाइली क्वेश्चन नाइंटी फाइव सॉइल ड्रेंचिंग विद जीरो ब्लीचिंग पाउडर इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग जीरो पॉइंट फोर परसेंट ब्लीचिंग पाउडर से ड्रेंचिंग किस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद है आंसर है ए लिफ स्केल डिसीज को क्वेश्चन नाइन्टी सिक्स बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन इज इंसाइटेड बाय कॉटन में होने वाला बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लैक आर्म डिसीज का कारण है आंसर है बी चेंथो ओनास एंड स्पीसीज मालवेसिरम क्वेश्चन नाइन्टी सेवन सडन एंड कंप्लीट विल्टिंग इन कॉटन इज ड्यू टू कॉटन में सडन और कंप्लीट विल्टिंग का कारण है आंसर है रूट रॉड बाय राइजोक्टोनिया सोलानी एंड रूट रॉड बाय राइजोक्टोनिया ोला दोनों क्वेश्चन नाइंटी एट एप्पल स्केप इज कॉस्ड बाई एपल स्के आंसर है सी वेंचुरिया इनक्वेलिस द्वारा क्वेश्चन नाइंटी नाइन सिट्रस एक्जोकार्टिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिट्रस एक्जोकार्टिस ट्रांसमिट होता है आंसर है बी बर्डिंग नाइफ द्वारा बर्डिंग नाइफ का यूज प्रोपोगेशन के टाइम किया जाता है क्वेश्चन एट लार्जेस्ट एंडवेलब्ड वायरसेस आंसर है डी विच इज पोटी वायरसेस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो